सर। जी आज की जो ये रेस्क्यू रेड्स थी तो ये ऑन द बिहाफ ऑफ जो टास्क फोर्स डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स यहाँ पे बना है जिसके चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर साहब हैं और लेबर डिपार्टमेंट डीसीपीयू के कोलाबरेशन के साथ डेल्सा भी इसमें कोऑर्डिनेट था। तो ये जो रेड्स आज की थी ये इसी बारे में थी कि हमने चेक किया कि कहाँ कहाँ पे बच्चा मजदूरी हो रही है और कहाँ कहाँ पे बच्चे जो है एंगेज है इस चाइल्ड लेबर में। तो तकरीबन हमने 6 से 7 बच्चे जो है वो CWC में क्लोज कराए जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था और उनकी पूरी डिटेल्स ली। इसके अलावा उनके बारे में जो आगे कार्रवाई होगी वो ऑन द बिहाफ ऑफ CWC और लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू ही आगे उनका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो आज एक्टिविटी हमने की है ये NCPCR की गाइडलाइन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वर्ल्ड लेवल पे जो चाइल्ड लेबर डे है उसको मनाया जाता है और उसी सिलसिला में हमने आज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है उसने ये इनिशिएटिव लिया है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने एक रेड लगाई है और उस रेड में हमने कम से कम 14 बच्चों को रेस्क्यू किया है। इसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लाइन भी हमारे साथ थे, उस डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भी और उसके बाद जलसा के भी मेंबर थे और साथ में चाइल्ड लेबर के भी थे। हम पूरी मार्केट्स का हमने सर्वे किया, उसमें से हमने कम से कम 16 बच्चों को जो है वहाँ से रेस्क्यू किया और वो डिफरेंट होटल्स में काम करते थे, वर्कशॉप्स में काम करते थे, उनको रेस्क्यू करके हमने CWC में प्रोड्यूस किया और उसके बाद जो आगे की जो कार्रवाई है वो CWC करेगी। और मेरा आप लोगों से यही आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ मत धकेलें, वो आने वाला फ्यूचर है हमारा, उनको एजुकेशन की तरफ धकेलें, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स दें ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके। उनकी एक्टिविटी थी नहीं, ये आज ही दिन की एक्टिविटी थी। हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उस शेड्यूल के मुताबिक आज हमारा पुंछ के अंदर था, कल हमारा मैंडर के अंदर होगा, परसों मंडी के अंदर होगा और उसके बाद सुरनकोट के अंदर होगा। 2-3 अवेयरनेस कैंप रखे हुए हैं यहाँ पे, इस्लाम बस्ती में हमने कैंप रखे हुए हैं, कसलिया में रखे हुए हैं, साथरा विलेज में हमने कैंप रखा हुआ है कि लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सके ताकि चाइल्ड लेबर को हम अपने डिस्ट्रिक्ट से पूरी तरह से खत्म करें सकता है। मैं हाँ आपको ये एक्ट के हवाला थोड़ा सा देना चाहता हूँ कि अगर भी कोई भी बच्चा हो, चाहे बच्चा खुद हो, कोई भी शहरी हो, कोई भी गाँव का आदमी हो, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज बनी हुई है, NGO का कोई आदमी हो, पुलिस का कोई आदमी हो, अगर कहीं पे भी किसी बच्चे को वो देखे तो वो रिपोर्ट करे 1098 पे। 1098 जो है आगे केस को खुद प्रोसेस करेगी, वो CWC तक पहुंचाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1-3 यूनिट बने होते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होता है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है। इसमें यह होता है कि अगर कोई बच्चा हम कहीं पे देखते हैं तो उस बच्चे को हम देखने के बाद उसकी रिपोर्ट करते हैं। अगर हम चाइल्ड लाइन में भी करेंगे तो चाइल्ड लाइन वाले भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद बच्चा खुद भी जा सकता है, पुलिस भी कर सकती है, कोई भी सीनियर सिटीजन जो है उस बच्चे को CWC में प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके आगे फर्दर कार्रवाई जो है वो आगे CWC उसमें करेगी। देखिए लेबर डे सेलिब्रेशन जो 12 जून से लेकर 20 जून तक चलना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हदायत पर हमने जो है ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं इस वीक में करनी थी और हमने शुरू भी की हुई है। जैसे आज हमने सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया है जो कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं या जो जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उनसे हमें वो देनी है कि वो चाइल्ड लेबर जहाँ भी देखेंगे उसमें अपने रोल अदा करेंगे और जहाँ जहाँ जो है वो डोमेस्टिक लेबर है, डोमेस्टिक लेबर में चाइल्ड इन्वॉल्व है या कहीं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में इन्वॉल्व है वो एक अपना रोल अदा करेंगे ताकि ये चाइल्ड लेबर की प्रैक्टिस स्टॉप हो। उसी सिलसिले में आज जो है DCPU पुंछ, DLSA पुलिस और एक जॉइंट जो है हमने एक रेड लगाई है मुख्तलिफ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में जिन पर हम चाइल्ड लेबर एक्ट की जो वायलेशन पाई गई, बहुत सारे बच्चे जो हैं तकरीबन दर्जन बच्चे जो हैं छोटे बच्चे जो हैं पकड़े गए, उनको हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आगे प्रोड्यूस किया गया है और जो है कानून जो है वो अपनी मतलब लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स और जो भी इसमें गिल्टी पाए जाएंगे चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं उनको चाहिए या उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ वो काम कर रहे थे तो उनको कलनाइज किया जाएगा। साथ ही साथ हम जो है वो लोगों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं, पेरेंट्स से हम अपील भी कर रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस वक्त
जो है उनका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन जो है आप डिनाई कर रहे हो, तो ये कानूनी तौर पर जुर्म है। तो इसी सिलसिला में जो है ये आज जो है लड़ाई हुई है।